कटनी जिले में एक दर्दनाक हादसा हुआ जहां पर नदी में डूबने से 5 बच्चों की मौत हो गई है। हादसे के बाद 5ों बच्चों को शव का रेस्क्यू कर लिया गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर बाहर निकाल दिया गया है। मध्य प्रदेश के कटनी में हुए दर्दनाक हादसे में 5 बच्चों की मौत हो गई। सभी की उम्र 16 साल से कम बताई जा रही है। एनकेजे थाना के देवरा खुर्द गांव में यह हादसा हुआ है। बताया जा रहा है कि एक बच्चे की जन्मदिन पार्टी मनाने के लिए 5ों बच्चे बिना बताए घर से बाहर चले गए थे। जब बच्चे घर नहीं पहुंचे, तब उनके परिजनों ने खोजबीन शुरू कर दी और पुलिस को भी सूचना दे दी। पता लगा कि ये लोग पिकनिक मनाने चले गए थे और अभी तक आए नहीं है, तो मैं जाके ढूंढना प्रारंभ किया तो देखा जो नदी का किनारा है उसको पकड़ के, तो कहीं नहीं दिखे थे, तो इसके बाद फिर पुलिस कंप्लेंट किए। खोजबीन करते हुए जब नदी के किनारे बच्चों के कुछ सामान मिले, तब परिजनों को नदी में बह जाने का शक हुआ। परिजन की शिकायत के बाद पुलिस प्रशासन ने जबलपुर की एनडीआरएफ टीम की सहायता से देर रात ही रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। दोपहर 12 बजे 5ों बच्चे पिकनिक मनाने के इस घाट पर आए थे। जब शाम को अपने घर नहीं पहुंचे तो इनके परिजन चिंतित हुए और उन्होंने आसपास तलाश किया। जो परिजन जब घाट पर उन्होंने देखा कि घाट के किनारे उनके कपड़े पड़े हुए हैं, चप्पलें पड़ी हुई, तो उनको शंका हुई कि हमारे बच्चों के साथ कोई घटना हो गई है। उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी गई, मेरे द्वारा वरिष्ठ अधिकारी को सूचना दी गई, एसपी साहब, कलेक्टर साहब सभी मौके पर आए। उनके निर्देशन पर रात भर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहा। रात को हमें 3 बॉडी मिली और अभी सुबह हमको 2 बॉडी मिल चुकी है। टोटल 5ों बच्चों की बॉडी मिल चुकी है। बच्चों की मौत पर प्रदेश सरकार की ओर से 4-4 लाख की राहत राशि का ऐलान किया गया है। देवरा खुर्द ग्राम पंचायत की ओर से संबल योजना के तहत 5,000 रुपए और स्थानीय विधायक संजीव जायसवाल ने 5ों बच्चों के परिजनों के लिए 10,000 रुपए की राहत राशि का ऐलान किया है। जो एक साथ 5 बच्चों की जो ये मृत्यु है, इसने सबको हिला कर रख दिया है। शासन नियमों के अंतर्गत जितनी मेरी जानकारी 4-4 लाख रुपए की राशि प्रत्येक परिवार को मिलेगी और 5,000 रुपए की पंचायत की ओर से मिलेगी, और इसके अलावा 10,000 रुपए की राशि मैं अपनी ओर से उन परिवारों को दूंगा। पिकनिक पर जाने के लिए बच्चों ने अपने पड़ोसी बच्चों को भी बुलाया था, लेकिन गनीमत रही कि पिकनिक पर नहीं जाने से एक बच्चे की जान बच गई। उसका आयुष विश्वकर्मा का जन्मदिन था, तो जा रहे थे सब कोई, तो सूर्य विश्वकर्मा के खेत जा रहे थे, तो फिर मैं आया हूँ इधर, तो फिर बोल रहे थे कि नदी चलते हैं, तो मैं नदी मना कर दिया था। बच्चों की मौत पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट करके गहरा शोक व्यक्त किया है। शोकाकुल परिवारों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की है और ईश्वर से ये दुख सहने की शक्ति देने की प्रार्थना की है। कटनी से नारायण के साथ टीम न्यूज स्टेट। और इसी के साथ फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। लगातार खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज स्टेट।